इसके अलावा जो हो जाता है कि दिस लाइक वन इज रामाचंद्र प्लॉट। रामाचंद्र प्लॉट के ऊपर बात करते हैं तो रामाचंद्र प्लॉट इसी पेप्टाइड के ऊपर आया था। कई सारे प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरी। ये स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने का जो फिनोमेना था वो रामाचंद्रन प्लॉट ने किया था। रामाचंद्रन प्लॉट जो थे ये बेसिकली किसके लिए थे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। दैट मीन्स अल्फा, बीटा एंड टर्न, अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट एंड टर्न के लिए थे, ठीक है। इसके साथ रामाचंद्र प्लॉट जो थे इन पे अलाउड रीजन और डिसअलाउड रीजन था। अलाउड रीजन में मैक्सिमम एरिया जो था वो किसके लिए था? ग्लाइसिन के लिए। मिनिमम एरिया जो था वो प्रोलीन के लिए था। एंड और अगर इफ एसिटाइलेटेड और मेथाइलेटेड अगर होगा, मेथाइलेटेड प्रोटीन है तो इट विल बी मिनिमम, ये मिनिमम हो जाएगा, इन्होंने ये बताया। इसके साथ साथ इन्होंने क्वाड्रेट की बात की थी कि रामाचंद्र प्लॉट में किस चीज़ को लेके बात की थी? फाई एंड साई एंगल को, फाई एंड साई एंगल से डिटरमाइन किया था कि फाई एंड साई एंगल क्या है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसके बेसिस पे डिटरमिनेशन के ऊपर बात की जा रही थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था, क्या हम इससे अल्फा हेलिक्स, टर्न इन सब को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, हम ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, सीक्वेंस जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता विद द रामाचंद्र प्लॉट। रामाचंद्र प्लॉट से सीक्वेंस को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पेप्टाइड के बारे में, दिस सी ओ एन एच, यहाँ पे था सी अल्फा, यहाँ पे था सी अल्फा, इसके बीच में जो बॉन्ड था वो था क्या? फाई, सी सी अल्फा, साई, इन दोनों बॉन्ड को लेके ही इन्होंने एक्सेस डिटरमाइन किया। क्या किया कि इस तरीके से फाई और साई को लिया और इस तरीके से इन्होंने एक्स और वाई एक्सेस पे रखा और क्वाड्रेंट रखा। रामाचंद्र प्लॉट ने क्या किया कि इस तरीके से फाई और साई वैल्यू को रखा और क्वाड्रेंट रखा, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, हियर दिस वन, ये फाई है और साई है, ठीक है। तो इस पर इन चीज़ों को रखा, दैट 5 डिग्री, साई डिग्री, कई सारे पर्टिकुलर पार्ट को रखा। अब ये जो है रामाचंद्र प्लॉट, अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए एल और डी के लिए अलग अलग होता है। दैट रामाचंद्र प्लॉट इज डिफरेंट फॉर एल अमीनो, इट इज डिफरेंट फॉर एल एंड डी अमीनो एसिड। इस क्वाड्रेंट को बोला गया, इस क्वाड्रेंट में देखिए लोअर हिस्से, यहाँ पे जो था फाई था, यहाँ पे था साई, इसमें ये लोअर हिस्से को देखिए, ये लोअर था, ये लोअर था, ये अपर था, ये अपर था, अपर में ये राइट, अपर में ये लेफ्ट, लोअर में ये राइट और लोअर में ये लेफ्ट। तो दिस इज यू का मतलब है अपर, एल का मतलब है दैट लेफ्ट, ठीक है, एल का मतलब है एक लोअर एंड आर का मतलब है राइट, ठीक है। तो ये चीजें जो थी इस तरीके से किया गया। अब इसमें कौन कहां पे है, चलिए उस पर चलते हैं और देखते हैं कि चीजों के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स सी हियर रामाचंद्र प्लॉट में, दिस इज एल एंड डी कायरल। अगर हम बात करते हैं उससे पहले एक नॉर्मल जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है एल अमीनो एसिड, उसमें एंटी पैरेलल बीटा सीट, पैरेलल बीटा सीट्स एंड कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स पाया जाता है इस एरिया पे। व्हेन यू सी दैट, लेट मी लाइक देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे जो हो जाता है कि एंटी पैरेलल बीटा सीट्स, पैरेलल बीटा सीट्स यहाँ पे है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स यहाँ पे पाया जा रहा है। क्या है ये है अपर, लाइक अपर लेफ्ट रीजन है, ठीक है। ये जो है आपके, दिस इज समथिंग लाइक अपर राइट रीजन में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, लोअर लेफ्ट में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, जबकि लोअर राइट में कुछ भी नहीं पाया जा रहा था। ये किसके लिए है? ये है एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए, सेकेंडरी रीजन्स के लिए होता है, ठीक है। नाउ अगर हम डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए देखेंगे तो इसी पर्टिकुलर एक्सिस को डायगोनल इंटरचेंज कर दो,
डायगोनल मतलब एक इधर से इधर इंटरचेंज करना है डायगोनल। ये जब जैसे ही आप डायगोनल इंटरचेंज करेंगे ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड में। एल से डी अगर आपको लेके जाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, डायगोनल इंटरचेंज करना था। क्या करना था, डायगोनल इंटरचेंज करेंगे तो यू विल गेट द बीटा सीट हियर, दैट लोअर राइट में आ जाएंगे, इसके साथ अपर लेफ्ट अपर राइट में जो हो जाएगा राइट हैंडेड पहुंच जाएगा, जो पहले यहाँ पे अप लोअर लेफ्ट में था, और राइट लेफ्ट हैंडेड यहाँ से लोअर लेफ्ट में आ जाएगा अपर राइट से। तो ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे और बीटा अपना जो है इधर चेंज कर देगा। डिटेल वन जैसे बीटा पैरेलल एंटी पैरेलल ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसके साथ इसमें फाई और साई की वैल्यूज़ कुछ कुछ होती हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, बस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है फाई और साई। 57-47 दैट कोड इज देयर आर एन एल पी, आर एन एल पी मतलब राइट नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगे और लेफ्ट हैंडेड के दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव वाला केस बन रहा है अल्फा हेलिक्स में, जबकि बीटा सीट में दोनों चार्जेज होते हैं बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एंटी पैरेलल इट इज -139 to 135 + 135 साई, एंड पैरेलल इज -139 + 113 दैट इज फॉर साई। तो इसमें माइनस प्लस दोनों पाया जा रहा है, तो दिस इज बोथ नेगेटिव, बी टू रूल लग सकता है यहाँ पे, जो आप लगाओगे दैट इज बी टू रूल, बी से बीटा, बी से बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। लेफ्ट हैंडेड जो है आपके हेलिक्स के लिए दोनों पॉजिटिव था पॉजिटिव, राइट हैंडेड के लिए नेगेटिव, जबकि बीटा सीट के लिए एंटी पैरेलल के लिए भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव और पैरेलल के लिए भी थे पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। टर्न के लिए वैल्यू थोड़ी सी अलग हो जाती है, जिसमें कि पॉजिटिव टाइप वन टाइप टू अलग अलग से चीज़ें जो होती है वो चलती रहती हैं, उन पर हम चलेंगे आगे और देखेंगे। सो दीज आर द रामचंद्र प्लॉट।